चलिए अभी रुक कर देते हैं अजमेर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज दोपहर 2 बजे एक बड़ा हादसा हो चुका है अजमेर के केकड़ी के अंतर्गत। आप सभी को बता दूं कि एक बिल्डिंग को बनाया जा रहा था, कॉमर्शियल बिल्डिंग को, उसका निर्माण चल रहा था और तीसरी मंजिल की जब ये छत डाली जा रही थी तब यह पूरी बिल्डिंग गिर चुकी है और इसके अंतर्गत 12 लोगों के दबे होने की बात भी सामने आई है। तो वहीं 6 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया और वे घायल बताए जा रहे हैं। आखिरकार किस प्रकार से बिल्डिंग गिरी है, कौन कौन इसमें दबा है, किस किस को बाहर निकाल लिया गया है, देखिए सीधा हमारे इस रिपोर्ट में। अजमेर जिले के अंदर शुक्रवार की दोपहर 2 बजे करीब बड़ा हादसा हो चुका है। अजमेर रोड पर 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से दर्जन भर लोग उसमें दब गए। बचाव व राहत कार्य भी शुरू करके 6 लोगों को बेमुश्किल बाहर निकाला गया है। ये 6 गंभीर रूप से घायल हैं, तो अभी कई और के फंसने की भी आशंकाएं जताई गई हैं। जांच में सामने आया कि अजमेर जिले के केकड़ी में मौके पर कॉमर्शियल बिल्डिंग बन रही थी। यहां पर शुक्रवार को तीसरी मंजिल की छत डाली जा रही थी और इस दौरान हादसा हो गया। घटनास्थल पर सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद है। तो वहीं जो 6 लोग घायल हुए हैं उसमें बता दूं कि मुन्ना खान निवासी खाईगढ़ पुरानी केकड़ी, कैलाश निवासी पारा, संजू निवासी पारा, सोनिया निवासी गुलाब गांव, माया निवासी कोहड़ा, मनोज निवासी कोहड़ा हादसे के अंदर घायल हो चुके। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।